तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट आप कैसे एकदम क्रिस्पी हरी मिर्च और आलू की कचौरी बना सकते हैं, वो भी एकदम नए तरीके से। तो जानने के लिए इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हरी मिर्च और आलू की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 और आधा बॉल मैदे का। टेस्ट को एकदम बढ़िया करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन। साथ ही साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मीठी सौंफ पाउडर। आप इसमें नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी। आप चाहें तो आप घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। घी जो है मौन के लिए यूज़ करते हैं। सो मौन यानी कि घी ऐड करने का मेन रीज़न यही है कि हमारी जो कचौरी है वो क्रिस्पी बने। तो कचौरी को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड इस तरीके से हमें मिक्स करना है कि एक दूसरे को होल्ड कर ले मैदा। तो अभी इसका डो बनाने के लिए मैं आधा बॉल पानी ले रही हूँ। आप क्या करेंगे, पानी को धीरे धीरे करके ऐड करेंगे एंड इसको गूंदते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका डो बना लेंगे। ऊपर से इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर रही हूँ ताकि सूखे ना। एंड कम से कम इसको मैं 2 घंटे के लिए जो साइड में रखने वाली हूँ। तो तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, कचौरी की फिलिंग तैयार करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। अभी मैं इसमें फ्राई करने वाली हूँ 15 से 20 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक एंड 15 से 20 मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लहसुन के पीसेस। सो लो मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई करूंगी। तो अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च जो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। तो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन तो हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ना बारी है इसको ग्राइंड करने की। तो इसके अलावा मैं ग्राइंड करने के लिए इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो है कच्चा आम। तो जो आम मैं यूज़ कर रही हूँ वो एकदम कच्चा नहीं है, तो ये क्या करने वाला है, फिलिंग में जो है वो खट्टा मीठा टेस्ट लाने वाला है। तो पैन में जो बचा हुआ ऑयल है उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ आलू को तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ऑयल में ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ज़ीरा। तो ज़ीरा हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज। तो प्याज को मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने दूंगी। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून मीठी सौंफ पाउडर। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जो हमने कच्चे आम का पेस्ट बनाया था वो। करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। एंड मैंने आलू जो है वो बॉईल कर लिए हैं। सो आलू को क्या करेंगे, अब बॉईल्ड आलू को मैश कर लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सो मसाला हमारा पक चुका है एंड अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैश किए हुए आलू। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लेंगे आप एंड अच्छे से आलू को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। तो आलू जब अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें आप ऐड कर देंगे हरा धनिया पत्ता। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हमारी कचौरी की जो फिलिंग है वो रेडी है। तो कचौरी बनाने से पहले हम आलू को ठंडा कर लेंगे एंड आप जल्दी ठंडा करने के लिए इनको फैन के नीचे भी रख सकते हैं। सो हमारे डो को भी वेट करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब बारी है कचौरी बनाने की। तो आप क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्शन ले लेंगे सबसे पहले आप डो से। जो हम पार्ट लेंगे वो ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए बिकॉज कचौरी जो है ज़्यादा पतली भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इतना पोर्शन ले लेंगे डो का एंड उसको गोल करके सेंटर से आप उसको थोड़ा सा डीप कर देंगे हाथ से ही। इस तरीके से आप सेंटर से जो है इसको डीप कर देंगे एंड अब इसमें आप जो है फिलिंग ऐड कर लेंगे। तो फिलिंग ऐड करने के बाद सारी साइड जो है उनको आप सेंटर में ले आएंगे पकड़ के। तो इस तरीके से आप सारी साइड्स को इकट्ठा कर लेंगे सेंटर में एंड अच्छे से उसको पहले घुमा के जो एक्स्ट्रा आप पार्ट रहता है मैदे का उसको आप तोड़ के साइड में रख लेंगे। आप इसको बेलन से भी हल्का सा बेल सकते हैं बट मेक श्योर कि ज़्यादा पतला ना हो जाए। एंड इस तरीके से आप हाथ की हथेली से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं क्या कर रही हूँ डो का एक छोटा सा पार्ट लेके इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। हमें ऑयल जो है वो मीडियम गर्म चाहिए। तो कचौरी को जब आप फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये नीचे रहेगी, बाकी ये धीरे धीरे जब पकने लगेगी तो ये ऊपर आके जो है ये राइज हो जाएगी।
तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है देन जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे से मेरी हर एक न्यू रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इस तरीके से मैंने बताया अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी सारी कचौरियाँ फूलेंगी भी और क्रिस्पी भी बनेंगी। सो हम इसे लो या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता एंड आप इसको सर्व कर सकते हैं दही के साथ, हरी चटनी के साथ, आलू करी के साथ। सो आप भी इस हरी मिर्च और आलू की कचौरी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।